हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे गुरु नीति जेई के लेक्चर नंबर 3 की केमिस्ट्री का थर्ड टॉपिक। जैसा आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जीओसी फर्स्ट की हम बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे जीओसी सेकंड की। जीओसी फर्स्ट में भी हमने बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी थी और यहाँ भी उसी के रिगार्डिंग थोड़े से लेवल की बात हम करेंगे। बेसिकली जीओसी से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एसिडिटी, बेसिसिटी, एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से आते हैं। उन्हीं कंसेप्ट पे हम इस पेपर को आपके लिए लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आइडेंटिफाई करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको तीन कंपाउंड दिए हुए हैं, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ आपको आइडेंटिफाई करनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसा एक बार आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझाया था, पहले पोलैरिटी चेक कर लो, ठीक है। तो पोलैरिटी देखा जाए तो हर जगह CH बॉन्ड है, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस देख लेना है। तो सभी में पोलैरिटी चूंकि CH बॉन्ड ही है, अब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस तो नेगेटिव बना लिया, अब हम नेगेटिव की स्टेबिलिटी देख लेंगे। मतलब वही सेम जो कंसेप्ट पीछे वाले में बताया था कि एसिडिटी कैसे देखते हैं, पोलैरिटी तो कार्बन हाइड्रोजन तीनों में कार्बन हाइड्रोजन है, उसके बाद हमें देखनी है कंजुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी। और वो अगर हम चेक करें तो देखो नेगेटिव चार्ज यहां आया, इसमें H प्लस जाने के बाद नेगेटिव चार्ज यहां आया, इसमें H प्लस जाने के बाद नेगेटिव चार्ज यहां आया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां कोई रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बट इस सल्फर के पास हमें पता है वेकेंट क्या होता है, डी ऑर्बिटल। तो यहां बैक बॉन्डिंग मतलब ये पी पाई डी पाई से क्या होगा, स्टेबल होगा। ये नेगेटिव चार्ज सल्फर के साथ पी पाई डी पाई दिखाएगा, इधर ये नेगेटिव चार्ज दोनों सल्फर के साथ पी पाई डी पाई दिखाएगा। तो एच प्लस सबसे इजी वे से यहां से निकलेगा क्योंकि कंजुगेटेड बेस सबसे ज्यादा थर्ड का स्टेबल है। दो जगह यहां पी पाई डी पाई हुई है, यहां एक जगह हुई है, यहां हुई नहीं है। इसका मतलब मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है वो थर्ड। इस ऑप्शन को चेक करें तो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लो करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, यहां भी वही अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम वापस से एसिडिक ऑर्डर का है। तो सेम कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है। वही सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पोलैरिटी। तो कहां से एसिडिटी शो करेगा, OH से, फिनोल से या कार्बोक्सिलिक एसिड से? तो दोस्तों आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही शो करेगा, क्योंकि जो यहां पे जो उसका नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। थोड़ा सा यहां पे आगे का कंसेप्ट लगेगा अभी, और इस ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ पे आप जानते हो कि जैसा आप जानते हो कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, क्योंकि फॉर्मेटाइन में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें नॉन इक्विवेलेंट आएगा। मतलब इसमें अगर ये H+ डोनेट कर देता तो इसका नेगेटिव चार्ज कार्बन पे चला जाएगा, कार्बन पे चला जाएगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब COH से एसिडिटी आने वाली है। तो ये COH, ये COH और ये COH कंसेप्ट लगाते हैं वो ही। तो इसमें एक इफेक्ट आया है, वो कौन सा इफेक्ट आया है, सर इफेक्ट। सही बात। मतलब सर इफेक्ट क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बात भी की थी, फिर भी बताता हूं एक्चुअली में होगा क्या कि इसके कारण जब ये एसिडिटी शो करेगा तो ये वाला एनायन बनाएगा, ठीक है। यहां OH है और यहां OH है, इनके बीच रिपल्शन हो रहा है, इनके बीच रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन से अवॉइड होने के लिए ये रेजोनेंस क्या हो जाएगा, कम, बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, या तो बोल सकते हैं कि ना के बराबर हो गया, हुआ है तो भी बहुत कम हुआ है। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। 1, 2, 3 पे तीन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो तो बीच वाला ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है। तो जब ये बंद हो गया तो केवल रेजोनेंस इसमें होगा, और इसमें होगा तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी, इक्विवेलेंट बनने का चांस बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का चांस बढ़ेगा इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। और इसमें केवल एक तरफ से आउट ऑफ द प्लेन करेगा, उसे दो तरफ से, तो इसको हम बोल देते हैं ऑर्थो इफेक्ट। इसी को ऑर्थो इफेक्ट, यस भाई। जो सर इफेक्ट है ना वो ऑर्थो इफेक्ट का एक्सटेंड फॉर्म है। ऑर्थो इफेक्ट एक साइड से लगता है, तो इसमें भी ये थोड़ा बहुत आउट ऑफ द प्लेन होगा, ये रेजोनेंस थोड़ा बहुत कम हो जाएगा और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहां ऐसा सिस्टम है नहीं, सिंपल है। तो मोस्ट एसिडिक आएगा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। तो सीधी सी बात है कि ऑर्थो इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। मोर द ऑर्थो इफेक्ट, मोर द एसिडिक बिहेवियर। एकदम कंक्लूड करके बोल दिया सर ने, मोर द ऑर्थो इफेक्ट,
मोर एसिडिक बिहेवियर, तो इधर दोनों तरफ से ऑर्थो इफेक्ट, इधर एक तरफ से ऑर्थो इफेक्ट, इसमें है नहीं, तो इस कांसेप्ट पे आंसर जाएगा ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, सेकंड नेक्स्ट देखते हैं ये लो वापस, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन अमंग द फॉलोइंग। अब तो इसमें पोलैरिटी क्या देखोगे तो बनाकर हमने दे दिया है सब में OH OH OH, तो देखो इस H को हटाओ तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी करनी है, तो ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, और ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, और ये यहां से यहां, मतलब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक क्या हो गया, गया है। अब इसको एच को हटाऊं तो ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं हो रहा, इसको हटाऊं तो ये भी बीच में sp3 आ गया, ये भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा है बट ये यहां से यहां तक ही जाएगा। सही, तो अगर मैं बात करूं तो सी सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद ए की एसिडिक नेचर है, क्योंकि यहां दोनों में रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है कॉन्जुगेटेड बेस, किसमें नहीं हो रहा, बी और डी में नहीं हो रहा, बी और डी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, तो इसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, ये ओवरऑल एसिडिक ऑर्डर हो गया। हमने तो ये पूछा है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन सी है, सी कहाँ है, थर्ड में, थर्ड इज करेक्ट आंसर, ओके ठीक है। नेक्स्ट वापस एसिडिटी का क्वेश्चन, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा जी ये चीज मत भूल जाना कि सबसे पहले आपको पोलैरिटी देखनी है, सबसे पहले ये देखना है कि एसिडिक नेचर कहां से शो करेगा। सही बात, सही बात। अगर ये कंपाउंड एसिडिक शो करेगा तो इनोल से करेगा, ये यहां से करेगा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये फिनोल से, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसमें ये SO3H से एसिडिक शो करेगा क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड मोर एसिडिक है ऑर्गेनिक एसिड, और वैसे भी देखे ना तो SO3H मोर से ये H जाएगा ना तो नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस से क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब ज्यादा इक्विवेलेंट इसमें बनता है। तो सबसे पहले एसिडिक नेचर की बात करें तो ये SO3H से शो करेगा और ये COH से करेगा, तो अब हमें पता है कि SO3H ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद COH है, अब फिनोल और इनोल इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां देखो, यहां जब नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, इसमें सर क्या हो रहा है, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ऑक्सीजन पे आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया, सही, मतलब इससे ज्यादा एसिडिक ये हो गया, तो फिर आपके सबसे पहले तो आया आर, उसके बाद आएगा एस, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे, ऐसा ऑप्शन मिलेगा थर्ड में, आर एस पी क्यू, थर्ड इज करेक्ट आंसर। मतलब हमारा एम क्या है, आप इस चीज को समझें, केवल यहां हम ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी कर दे, क्वेश्चन दे दिए बनके, नहीं, एसिडिटी के सीक्वेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप काफी कंफर्ट जोन में आ जाओ कि एसिडिटी का क्वेश्चन हम आसानी से लगा सकते हैं, और हम लोग कंसेप्ट वही बता रहे हैं कि पहले आप पोलैरिटी चेक कर लो, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस चेक कर लो, कहीं ना कहीं हमने और तो कुछ नहीं बोला है, उसी से सारा आपका आ जाएगा, जो कम से कम जेई जेई एडवांस में तो सारा ही क्वेश्चन उसी पे इसी पे आता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करेंगे बेसिसिटी की, बेसिसिटी ऑर्डर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बेसिसिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट बता दें, क्योंकि बेसिसिटी के क्वेश्चन अपने पास आने वाले हैं, तो बेसिसिटी के कंसेप्ट देखते हैं, बेसिसिटी चेक कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले तो ये देखो कि अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर आर मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड। सही बात भाई, एक एटम के लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आवारा है, और एक के लोकलाइज्ड है, एक जगह फिक्स है, तो प्रोटॉन को इजीली अवेलेबल वो होगा ना जो एक जगह फिक्स है, तो अनडीलोकलाइज ज्यादा बेसिक होता है कंपेरेटिव टू डीलोकलाइज। अब अगर डीलोकलाइज है, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड, वहां एसिडिटी में देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, यहां स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड इंक्रीज, तो बेसिसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इसको हम बोल देते हैं कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच माइनस आई, क्योंकि प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सही बात। अब अनडीलोकलाइज में भी यदि इफ कॉन्जुकेटेड एसिड स्टेबलाइज्ड बाय इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर कॉन्जुगेटेड एसिड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज हो तो उसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। इसका ध्यान रखना, जैसे ये कंपाउंड है, फेमस कंपाउंड है,
और ये इस कंपाउंड पे कई क्वेश्चन बनते हैं NH और ये NH2, ये ग्वानिडीन बोलते हैं इसको, और इसके ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो ये तो डीलोकलाइज हो रहे हैं, ये भी डीलोकलाइज हो रहे हैं, ये क्या है अनडीलोकलाइज, तो मतलब प्रोटोन यहां अटैक करेगा, तो ये ज्यादा बेसिक है, और जब इस पे प्रोटोन अटैक करता है ना तो ये बनाता है NH2 पॉजिटिव और ये NH2। अब ये जो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बना ना, ये रेजोनेंस से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज, और रेजोनेंस भी कैसा है सर, इक्विवेलेंट, ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर कहीं पे बच्चे को ऐसा स्केलेटन मिल जाए, इस टाइप का, इस टाइप का ग्वानिडीन टाइप स्केलेटन मिल जाए, तो इधर भी एन हो सकता है या कोई ग्रुप लगाओ, तो यहां से तो बेसिसिटी शो करेगा और ये रेजोनेंस क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ग्वानिडीन टाइप आपको कहने का मतलब सर कह रहे हैं कि पहले तो ऐसा करो कि ग्वानिडीन टाइप ढूंढ लो, ग्वानिडीन हो या ग्वानिडीन टाइप हो तो उसको पहले टिक कर दो, पहले टिक कर दो, हां डेफिनेटली पहले टिक करना, पहले टिक कर दो, ठीक है, उसके बाद बाकी का कांसेप्ट जो भी बता रहे हैं या आगे अभी आएगा, ठीक है, तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। हां एक चीज और, एमाइड अगर है तो एमाइड हमेशा इम्यून से लेस बेसिक होगा, तो अगर ये सर ने अच्छी बात की, देखो एक जनरल कर सकते हैं कि सबसे पहले ग्वानिडीन देख लिया, फिर उसके बाद देख लो अल्काइल अमीन, क्यों सर, हाँ अल्काइल अमीन, जनरली मैं बोल रहा हूँ अल्काइल अमीन, फिर देख लो जैसे एनिलीन है, एनिलीन टाइप का, उसके बाद उससे कम बेसिक होता है अमाइड और कम, सबसे कम बेसिक होता है साइनाइड, साइनाइड, तो एक एक जनरल दिमाग में रख लो कि भाई सबसे ज्यादा ग्वानिडीन या ग्वानिडीन टाइप, उसके बाद अल्काइल अमीन, उसके बाद एनिलीन या सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, उसके बाद अमाइड, और सबसे कम जो होगा वो होगा साइनाइड, साइनाइड, ठीक है, एक जनरल ऑर्डर, अमाइड कम बेसिक होता है। देखते हैं क्वेश्चन लगाते हैं अपन अपना, ये देखो सर, सर ये मिल गया आपको, ये मिल गया, देखो ग्वानिडीन वाला लिंक है ना यहां से, तो मैं इसको देखना, इसको मैं शॉर्ट में बार बार आएगा ना ये, तो इसको मैं बोलता हूं GTS, मतलब ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर, यस, तो ये वाला एक तो मोस्ट बेसिक है, वापस से सुन ले, क्योंकि यहां H+ अटैक करेगा ना तो NH2+ बनेगा और ये इस रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज हो जाएगा। अब इधर देखो अमाइड है, अमाइड है, तो अमाइड ये लीस्ट बेसिक है, तो सबसे ज्यादा ए है और सी सबसे कम है, क्योंकि ये इसको हम बोलेंगे एमाइड, अमाइड। अब यहां पे इसके लोन पे डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसके लोन पे डीलोकलाइज या तो हो नहीं रहे या हो रहे हैं तो बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि ये तीन ग्रुप लगातार आ गए, तो यहां हम इसको क्या बोलते हैं, सर इफेक्ट, और सर इफेक्ट का मतलब, तो हाँ तीन ग्रुप आ गए ना, 1 2 3 तीन ग्रुप आ गए, तो इसको बोलते हैं सर इफेक्ट। सर इफेक्ट का मतलब ये लोन पेयर, ये जो नाइट्रोजन है वो रिंग के साथ प्लेन में नहीं रहा, इसके लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो पाएंगे या बहुत कम होंगे, तो यहीं पड़े हैं, तो H+ इजीली उठा लेंगे, जैसा कि बताया गया था कि अनडीलोकलाइज का अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है डीलोकलाइज से, तो ये इसका लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है, इसकी लोन पेयर कम, तो ये जल्दी प्रोटॉन को बुला लेगा, ये एज कंपेयर थोड़ा कम प्रोटॉन को बुलाएगा, तो फिर बी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, ए बी डी सी ऐसा आंसर है, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट ये लो वापस, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लेवल्ड एन, हमने बोला एसिडिटी का कंसेप्ट आपको दिया, अब हम बेसिसिटी का कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, तो फिर देखें ग्वानिडीन GTS, सही है, ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर, ये वापस से ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर हो गई, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वही तो है, डबल बॉन्ड एन और नाइट्रोजन, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, अब इसमें से ज्यादा ये वाली होती है, क्योंकि ये अनडीलोकलाइज्ड है, और ये वाला क्या है, ये तो डीलोकलाइज हो रहा है, ये अनडीलोकलाइज्ड है, तो इसको मैंने थर्ड तो ज्यादा है। अब बात करें इसकी, तो ये एमाइड टाइप हो गया कि सर ये इसके लोन पे इसके साथ भी डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसके साथ भी डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसका एक साथ, इसका केवल इसके साथ डीलोकलाइज हो रहा है, और इसका इसका केवल इसके साथ डीलोकलाइज हो रहा है, कहने का मतलब ये तो ग्वानिडीन, चल हां ठीक है, आगे ठीक है, तो थर्ड हो गया, अब बात करते हैं हम फोर्थ की हो जाएगा, फोर्थ क्यों हुआ, फोर्थ क्यों, क्योंकि लोन पे डीलोकलाइज तो नाइट्रोजन पे ही वापस आएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव जा रहा है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो यहां पे ये हो गया। अब इसमें इस नाइट्रोजन के लोन पेयर दोनों तरफ डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसकी केवल एक तरफ डीलोकलाइज है, ये ज्यादा आवारा है, H+ को मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब फिर सेकंड और उसके बाद
फर्स्ट, इस ऑप्शन चेक करने जाएंगे तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट जी, विच इक्विलिब्रियम लाइज कंसिडरेबली टुवर्ड्स द राइट, मतलब इसका हमें कंसेप्ट बताना चाहिए बच्चे को थोड़ा सा। हाँ, हाँ, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं, एसिड बेस रिएक्शन का क्वेश्चन आता है, तो पहले कंसेप्ट को सीखे उसके बाद बात करते हैं। तो कंसेप्ट देखें, कोई भी रिएक्शन आप एसिड और बेस की रिएक्शन करवा रहे हो, मतलब एसिड एच प्लस डोनेट करेगा और बेस उस एच प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो रिएक्शन ऑलवेज गोज, रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर से वीक एसिड और वीक बेस का फॉर्मेशन होगा। हाँ, स्ट्रांग से वीक की तरफ जाएगी। हाँ, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस ये रिएक्शन करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगी जब वीक एसिड और वीक बेस बना। यदि आपने मान लो इधर स्ट्रांग वीक एसिड और वीक बेस है तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस की तरफ रिएक्शन नहीं जाएगी हमेशा। एक ही लाइन को ध्यान रखें, एक लाइन को बता देते हैं, हमेशा रिएक्शन वीक एसिड और वीक बेस की तरफ जाएगी। अब यहाँ बच्चे को थोड़ा सा एसिडिटी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, तो वो हम कर लेंगे। तो रिएक्शन ऑलवेज गोज इन डायरेक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वापस बोल रहा हूँ, रिएक्शन ऑलवेज गोज इन डायरेक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगी। क्वेश्चन लगाते हैं अपन, देखो इधर, यहां से एच प्लस दिया तो ये एसिड ये बेस, ठीक है, अब एसिड ने एच प्लस देने के बाद इसका बेस बन गया कंजुगेटेड बेस और ये क्या बन गया एसिड। अब देखो इधर, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है सही, और इधर NH4 प्लस है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है सर, सही बात, क्योंकि OH बॉन्ड है इसमें NH बॉन्ड है, तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या हो गया वीक एसिड बना दिया, वीक एसिड। अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुकेटेड बेस वीक होता है, तो ये वीक बेस और वीक एसिड का कॉन्जुकेटेड बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो रिएक्शन क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अच्छा ये तो पता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कॉन्जुकेटेड बेस वीक एंड वीक एसिड्स कॉन्जुकेटेड बेस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ये तो पता ही होगा, तो ये आगे की तरफ जाएगी। अब देखो इधर, इसने H+ एक्सेप्ट किया, इसने डोनेट किया, तो ये एसिड है ये बेस है, इसने देने के बाद इसका बेस बन गया और उसका एसिड बन गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और H2O में से ज्यादा एसिडिक वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस वीक बेस, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि हमने तो ये बोला है ना रिएक्शन ऑलवेज गोज इन डायरेक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, नहीं होगी, बैकवर्ड में जाएगी। ठीक, यहां बात करें, ये H+ इसको डोनेट कर रहा है तो ये एसिड है ये बेस है, इसका बेस बन जाएगा इसका एसिड बन जाएगा। अब H2O और NH4+ में से ज्यादा एसिडिक कौन, NH4+ ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक होता है अमोनियम, पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, तो पोलैरिटी ज्यादा आ गई, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है तो पोलैरिटी बढ़ जाती है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का ये कॉन्जुगेटेड बेस क्या हो गया वीक बेस, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग बेस आई गया की तरफ, ठीक है, ठीक है। यहां बात अगर अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो यहां से देख लो, आप इसमें तो बता ही सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है वीक बेस है। हाँ, इसमें तो बता ही सकते हो ना, अगर बाय चांस हो ही गया गड़बड़ यहां पे, तो यहां से देख लो स्ट्रॉन्ग कुल मिला के एक, देखो एक अगर स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ गया तो पक्का दूसरा भी वैसे ही जाएगा, वैसे ही जाएगा, वैसे ही जाएगा, कोई एक पकड़ लो इसमें से स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, कोई एक पकड़ लो, चाहे एसिड पकड़ लो चाहे बेस पकड़ लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इसमें बात करते हैं, पकड़ आ गया तो ये तो होना ही होना है, HCN स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का ये वीक बेस हो गया, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये भी जाएगी, तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी, सेकंड नहीं जाएगी। हमें पूछा है कि राइट साइड कौन सी जाएगी, तो कौन सा गया फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये रहा ये सेकंड इज करेक्ट आंसर। चलो अब कांसेप्ट बता दिया है, आगे क्वेश्चन आएगा तो इसी में बात करेंगे। व्हिच ऑफ द सीएल इज रिमूव्ड इन फास्टेस्ट रेट, तो पहली बात तो ये देखो सीएल जो है वो पीरियोडिक टेबल का थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सही बात, फ्लोरीन ऑक्सीजन के बाद सीएल है, तो क्या सीएल जब भी निकलेगा अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, लेके निकलेगा,
भाई ये लिया ना आपने आर और ये बॉन्ड, मान लो ये कार्बन सीएल का बॉन्ड है, तो सीएल बहुत सारा है, ये जाएगा ना तो इस अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन उड़ा के जाएगा, सीएल माइनस फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहां क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा पीछे स्टेबल है सीएल माइनस वहां से उतनी ही जल्दी रिलीज हो जाएगा, क्योंकि भैया सीधी सी बात है कार्बन माना लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है पर थोड़ा बहुत तो अपोज करेगा यार, उसका इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है क्लोरीन, तो अगर वो पीछे से स्टेबलाइज हो रहा है ना तो कार्बन कहेगा चल तुझे दिया, और अगर स्टेबलाइज नहीं हो रहा ना तो फिर कार्बन नखरे करेगा, लड़ेगा, उसको आसानी से नहीं देगा, तो यहां से ये इजीओ में इसको दे देगा जब पीछे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता हो। तो सर मैं इसमें देख पा रहा हूं कि अगर यहां से सीएल जाता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये रेजोनेंस हाई रेजोनेंस सिस्टम है और साथ के साथ सिस्टम एरोमेटिक भी बन रहा है, तो सबसे पहले सर वही जाएगा, तो सबसे फास्टेस्ट रेट से जाएगा डी। अब यहां पे देखो यहां सीएल कार्बोकेट है, रेजोनेंस से क्या है स्टेबलाइज, फिर जाएगा सी। अब सीएल और बी में ये रेजोनेंस हो कर रहा है तो इजीओ में ब्रेक नहीं होगा, और ये सीएल तो बहुत नखरे करने वाला है सर, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल है तो लड़ेगा लास्ट तक, नहीं जाने देगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा सबसे कम स्टेबल होता है, सबसे कम स्टेबल, तो मतलब सबसे फास्ट ये सीएल जाएगा क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक नेचर का है, रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है, तो डी सबसे फास्ट जाएगा और डी है फोर्थ। ओके नेक्स्ट, ये लो करेक्ट बेसिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इनका, तो देखो भैया तो ग्वानिडीन ही हो गया, हाँ वहां से चेक कर लेते हैं पहले, अरे इधर इधर इधर, हाँ ये लो सर, इसमें तो है ही नहीं, इसमें जीटीएस है ग्वानिडीन और इसमें भी जीटीएस है और इसमें भी जीटीएस है, अब ये पार्ट तो इन तीनों में सेम हो गया, तो इसका मतलब डी तो लिस्ट बेसिक होने वाला है क्योंकि इनमें सब में जीटीएस है, इसमें है नहीं, तो डी सबसे लीस्ट बेसिक होने वाला है। अब इसमें देखो इसका प्लस आर लगेगा, इसका भी प्लस, इसका प्लस एच लगेगा, प्लस एच लगेगा और इसका प्लस आर लगेगा, ठीक है, प्लस आर यहां भी लग रहा है, यहां प्लस एच लग रहा है, यहां प्लस आर लग रहा है, तो प्लस आर वाला ज्यादा बेसिक होगा, बिल्कुल प्लस आर एनएच टू का ज्यादा होता है ओएच से, तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी और सबसे कम डी, ऑप्शन चेक करने जाएंगे, ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल हो गया, समझ में आ गया, तो जीटीएस बहुत काम की चीज है, सबसे पहले इसी पे अटैक करें, ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट ये लो, अमंगेस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड आर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो फिर मैंने बोला सबसे पहले आपको ये देखना कि एसिडिटी शो कैसे करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से करेगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से करेगा, ये फिनोल से करेगा, तो ये तो लीस्ट बेसिक हो, लीस्ट एसिडिक हो गया, क्योंकि ये एसिडिटी शो कहां से कर रहा है फिनोल से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से, और देखो ऑर्थो पोर्शन पे है तो इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, यस ऑर्थो इफेक्ट, इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट लगेगा और इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। अब ऑर्थो इफेक्ट बेसिकली साइज डोमिनेटिंग फैक्टर है, जितना साइज बड़ा होता है उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड नॉन प्लेनर होता है, जैसा कि सर ने बताया कि हमें नॉन प्लेनर करना है, तो जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, उतने ही ज्यादा वो प्लेन के बाहर जाएगा। हाँ अगर बाई चांस ये साइज फैक्टर भी कॉमन हो गया तो नंबर देख लें आप, दोनों साइड हो ये भी कॉमन हो गया तभी इफेक्ट लगा दो, माइनस आर माइनस आई जो भी। अब देखो यहाँ पे सेकंड पीरियड का एलिमेंट का साइज लग रहा है, सेकंड पीरियड का लग रहा है, सेकंड तो साइज यहाँ डोमिनेट हुआ नहीं क्योंकि सभी एलिमेंट सेकंड पीरियड से है, तो जो ऑर्थो इफेक्ट लगने वाला है वो ऑलमोस्ट सेम सा लगने वाला है, बट यहाँ पे हो सकता है इसका थोड़ा बहुत प्लस आर काम कर जाए, सही है, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल बंद हो जाता है, हम ये कह रहे हैं कि उसका जो प्लेनरिटी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है जिससे रिंग का रेजोनेंस बंद हो जाता है, तो इसका प्लस आर लग रहा है, तो सर प्लस आर लगने पे तो एसिडिटी कम हो जाएगी, इसका थोड़ा बहुत माइनस आर लगेगा और इसका थोड़ा बहुत प्लस एच लगेगा, ठीक है, तो माइनस आर वाला सबसे ज्यादा थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ, लास्ट के बाद सेकंड, एसिडिटी का सिंपल क्वेश्चन ऑर्थो इफेक्ट का। नेक्स्ट वापस से तो पहले तो ये देखो एसिडिटी शो कहां से करेगा,
ये कहां से करेगा? OH, फिनोल, OH, फिनोल, यहाँ कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ OH से। अब आप समझ गए सबसे ज्यादा थर्ड हो गया, इसमें तो कुछ करने क्योंकि ये एसिडिटी तो सबसे ज्यादा ये शो करेगा, सबसे ज्यादा थर्ड हो गया। चलो ऑर्डर बता देते हैं बच्चों को, है ना, यहां सर इफेक्ट नहीं लगेगा, सर इफेक्ट इसमें नहीं है क्योंकि सीएन जो है ना वो लीनियर है और लीनियर क्या एमरी पर्सन शो करेगा यार, ये तो लीनियर लगा हुआ है। तो यहां ये जो सीएन ग्रुप है, जो सी ट्रिपल बॉन्ड एन था, वो क्या है? लीनियर है। तो इस NO2 का माइनस आ लगेगा क्योंकि मेटा पे, इसका भी माइनस आ लगेगा, मतलब CN का माइनस आ लगेगा कि लीनियर होने से। देखो सर इफेक्ट क्या है, रिपल्शन, तो रिपल्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट भी तो होना चाहिए उस तरह का। अब ये लीनियर है तो इसने अपना इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट तो बहुत ही कम फैला के रखा हुआ है, तो इससे जो रिपल्शन होने वाला था ऑर्थो पोजीशन से वो क्या हो जाएगा, नेगलिजिबल हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो ये जब रिपल्शन नहीं हुआ इसका मतलब ये अपने प्लेन में ही रह गया, अब प्लेन में रह गया तो भैया इसका माइनस आर इफेक्ट लगेगा, माइनस आर लगेगा, यहां पे सर इफेक्ट होगा, इसका माइनस आई, इसका माइनस आर, इसका माइनस आई, माइनस आर नहीं, हां सॉरी माइनस आई, सॉरी क्योंकि सर इफेक्ट है ना, तो सबका ही माइनस आई हो गया, सबका माइनस, सही है सही है। और यहाँ इसको तो हमने बोल ही दिया कि उसमें ये यहाँ भी सर इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई माइनस आई माइनस आई, यहाँ भी सर इफेक्ट है। अब सर इफेक्ट का तो माइनस आई सबसे ज्यादा कहाँ लगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे, सही बात, यहाँ पे लगा है, बट वहां माइनस आर लग रहा है तो इससे ज्यादा एसिडिक हो गया वो, सही। तो सबसे पहले फर्स्ट, सबसे पहले थर्ड क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद फर्स्ट, यहाँ तीन का माइनस आई, यहाँ भी तीन का माइनस आई, बट यहाँ तीन NO2 का माइनस आई है और NO2 की माइनस आई की पावर ज्यादा होती है, तो फिर सेकंड और उसके बाद। आज आपसे तो यही पूछा था हमने स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा, वो तो आप ऐसे ही बता देते हैं। नेक्स्ट वापस से अब मैं इसको तुरंत सॉल्व करूंगा, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे का वापस क्वेश्चन पोज करके देखें। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये यहां से डायरेक्ट बस लिख दें आप, ये करेगा ये करेगा ये करेगा, यहां दोनों तरफ से लगेगा ऑर्थो इफेक्ट, मतलब सर इफेक्ट हो गया, वन ऑर्थो इधर, इधर केवल वन ऑर्थो है, इधर भी वन ऑर्थो है, यहाँ पे नहीं, यहाँ है नहीं, तो ये तो लीस्ट एसिडिक हो गया, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट बढ़ता है ना तो एसिडिटी बढ़ती है, लीस्ट एसिडिक। अब यहाँ दोनों तरफ से तो फर्स्ट मोस्ट एसिडिक, यहाँ इस NO2, NO2 ये कॉमन हो गया, बट इस NO2 का माइनस है लग रहा है, इसका माइनस आर लग रहा है, तो फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर समझ में आ गया होगा। फिर भी हमारा एम ये है कि आप ऑर्थो इफेक्ट सर इफेक्ट के कांसेप्ट लगाना सीख जाओ, नहीं समझ में आया पीछे वाले क्वेश्चन पे जाएं, पोज करें, दो तीन क्वेश्चन करवा चुके हैं, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ये बेसिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर तो वही देखो, ये चला गया डीलोकलाइज, डबल बॉन्ड के साथ है अनडीलोकलाइज, यहां डीलोकलाइज्ड रिंग के साथ डीलोकलाइज, ये भी अनडीलोकलाइज, तो टू और फोर ज्यादा बेसिक होंगे। बिल्कुल, बट ये कहां से देगा, sp2 से, ये कहां से देगा, sp3 से, sp3 से, तो सर sp3 ज्यादा इजी में नोटेट कर देगा, तो फोर टू। अब देखो इधर, यहां भी हो रहा है और यहां भी अनडीलोकलाइज हो रहा है, बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये टू डिग्री एमीन है जो इस ग्रुप का थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, तो उससे ज्यादा बेसिक हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट के कारण, थर्ड फर्स्ट। कार्बन सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच और दूसरा बोला है एस आई ओ एच और ये सी एच थ्री ये सी एच थ्री और ये सी एच थ्री, बोला कि ये लेस एसिडिक है ये ज्यादा एसिडिक है, तो ये तो कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। देखिए ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज वैकेंट डी ऑर्बिटल डी और इसके पास ये पी में होता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है स्टेबलाइज बाय पी पाई डी पाई बॉन्ड डी पाई, एक तरह से रेजोनेंसी हो गया है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंसी स्टेबलाइज हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा क्योंकि कार्बन के पास खाली कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा ऑप्शन अगर हम बोले तो ये रहा CH3CIO is stabilized by P pi D pi कारण क्या है? बिल्कुल। Okay, next. Main concept acidity basicity का ही है। Heat of hydrogenation.
तो इसके बारे में सर हमने पिछले लेक्चर में बात की थी बच्चों से, हमने ये बोला था कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, पहले क्या होता है कि पहले पाई बॉन्ड देख लेते हैं, पहले क्या देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताया गया था कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जब कॉमन हो जाए फिर उसके बाद क्या देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो पाई बॉन्ड तो देखो दोस्तों दो 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 सभी में बराबर ही है, तो ये तो कॉमन ही हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जैसे देखो बच्चे इसमें रेजोनेंस है, तो ये तो स्टेबल है, रेजोनेंस है तो बहुत खतरनाक, और ये तो देखो बच्चे एंटी एरोमेटिक हो गया, ये तो बहुत लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल, और ये कोई रेजोनेंस नहीं है। सबसे ज्यादा स्टेबल ये क्या हो गया, नॉन कंजुगेट सिस्टम, मतलब नॉन एरोमेटिक भी आप कह सकते हैं, ये हो गया हमारा रेजोनेंस तो है। अक्ष सबसे ज्यादा स्टेबल है, X, yes. फिर जेड है, जेड है, उसके बाद स्टेबल वाई है। अब इस पे लगा दो चाहे तो, इसका अपोजिट कर देते हैं, बिल्कुल वाई जेड अक्ष, ये तो आंसर आएगा, ऐसा आंसर है सेकंड। मतलब सर एक चीज हम बोले कि कोई सिस्टम अगर एंटी एरोमेटिक है हाँ। तो वो क्या चाहता है कि मैं मेरी एंटी एरोमेटिसिटी खत्म करूं, और वो जो भी उससे रिएक्ट करने आएगा ना फटाफट तुरंत फटाफट रिएक्ट करेगा। और जब देखो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, H2 का एडिशन, तो इस पे H जुड़ जाएंगे, इस पे H जुड़ जाएंगे, इस पे H जुड़ जाएंगे, तो ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। यार दुनिया में स्टेबल होना कौन नहीं चाहता है, सब चाहते हैं, तो ये भी स्टेबल होना चाहेगा, एंटी एरोमेटिक से तुरंत नॉन एरोमेटिक तरफ जाएगा, इसलिए इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, काउंट टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, कि इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं। तो देखो भैया ये तो पता होगा ना यार, ये sp3 है, ये sp है, ये भी sp है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp है, और ये sp है, ये तो सबको पता होगा। अब जब sp3 होता है ना तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन sp3 है ना, कार्बन sp3 है तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जीरो, और जब कार्बन sp2 होता है ना तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 1p, क्योंकि टोटल p तीन होते हैं, तीन में से दो ने ही केवल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेशन लिया है, एक तो अनहाइब्रिड है, और कार्बन जब sp होता है ना तो टोटल पी तीन होते हैं, तीन में से एक ने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, बच गए कितने, टू पी। अब क्वेश्चन को लगाते हैं, आज बच्चों की जिंदगी को कलर नहीं किया हमने, थोड़ा सा कलर कर देते हैं, रेड कलर दे देते हैं, तो यहां पे ये इसके पास टू पी हो गए, इसके पास भी टू पी हो गए, इसके पास वन पी हो गया, इसके पास वन पी हो गया, इसके पास टू पी हो गया, इसके पास 2p हो गया, तो 2, 2, 4, 5, 6 और 4, 10। सिंपल जे मेन बेस्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता है केमिकल बॉन्डिंग से रिगार्डिंग है, हमने यहां जीओसी में ले लिया। नेक्स्ट, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड गिवन। सर इसमें एक चीज होता है कि अगर एनिलीन की, देखो एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में सुनना भैया, कंसेप्ट बता रहा हूं और पकड़ के रखना, कि कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिक नेचर बढ़ती है, एसिडिक नेचर इंक्रीज, और जब एनिलीन के ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगता है तो एनिलीन तो बेसिसिटी शो करता है ना, तो बेसिक नेचर घटता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि प्रोटोनेशन मुश्किल हो जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर ये H+ जब लेगा तो ये बनाएगा NH3 पॉजिटिव, उसके बीच में क्या होने लगता है, रिपल्शन होने लगता है, तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होने के चांस खत्म हो जाते हैं, और कोई भी सिस्टम अनस्टेबल नहीं होना चाहता है, क्योंकि जैसे ही H+ एक्सेप्ट करेगा ना तो ये बनाएगा NH3+ और ये Z, अब ये रिपल्शन बढ़ा और रिपल्शन बढ़ा तो वो H+ लेने की टेंडेंसी, कंजुगेट एसिड कम स्टेबल हो गया ना फिर, तो इसी को शायद सर SIP बोलते हैं, SIP इसी को क्या बोलते हैं, बच्चे SIP के नाम से पढ़ते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, बिल्कुल यही है, तो SIP भी यही है। अब इसका क्या होगा, जब ये जेड एनएस3 तो इसका सॉल्वेशन भी इजी वे में नहीं हो पाता है, इसलिए ये कंजुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी को कम कर देता है,
इसलिए ये बेसिक नेचर कम होती है और इसमें ऑर्थो इफेक्ट पे आने पे इक्विवेलेंट ग्रेजुएटिंग स्ट्रक्चर का परसेंटेज बढ़ता है, इसलिए यहां एसिडिक नेचर बढ़ती है। तो आपने कंक्लूड कर लिया कि आप इसमें ऑर्थो इफेक्ट ही देख लो, ऑर्थो इफेक्ट से बेसिक घटेगा, ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से एसिडिक बढ़ेगा। बाकी तो चलो अपना रीजन था, आप तो डायरेक्ट लगाओ उसको, ये देखो ऑर्थो इफेक्ट लग गया। हां ऑर्थो इफेक्ट लग गया तो मैं फर्स्ट तो को तो क्या बोलूंगा, सबसे कम बेसिक बोलूंगा, ऑर्थो इफेक्ट लग गया। अब यहां पे ये इनके बीच में रिपल्सन तो हो रहा है, तो इन लोन पेयर की डीलोकलाइज होने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई, तो ऑलमोस्ट ये अनडीलोकलाइज ही हो गए, ठीक है, क्योंकि सर इफेक्ट हो गया, एसआईआर लग गया, ये रेजोनेंस हो कर रहा है, और यहां एन एम ई एम ई तो ये भी अनडीलोकलाइज होने की टेंडेंसी होगी इनकी भी, क्योंकि यहां भी रिपल्सन तो हो ही रहा है, तो ये भी ऑलमोस्ट अनडीलोकलाइज हो रहे हैं, बट ज्यादा अनडीलोकलाइज ये वाले हैं क्योंकि यहां रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, यहां हो सकता है थोड़े बहुत रिंग के साथ डीलोकलाइज हो जाए, तो मतलब फोर्थ से ज्यादा बेसिक कौन है, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद सेकंड और उसके बाद फर्स्ट। ऑप्शन चेक करें, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड, ठीक है समझ में आ गया ना। नेक्स्ट, ये तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, वापस से एक अच्छा शानदार क्वेश्चन मिल गया था हमें, तो सोचा कि बच्चों को क्यों ना ये क्वेश्चन दिया जाए, अच्छा क्वेश्चन था। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वही टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं पहले, चार्ज या अनचार्ज, आर चार्ज, इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तीन, इसमें दो, पांच ज्यादा स्टेबल है तो ये तो सही, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कॉमन हो गया है, तो फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इस पे कार्बन पे है, तो ऑक्सीजन पे ही होना चाहिए था, ज्यादा स्टेबल है ये भी सही है। इसमें देखो यहां सिस्टम एरोमेटिक है और यहां सिस्टम एंटी एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, ये भी सही है। इसमें देखो यहां तीन कोवेलेंट बॉन्ड है और यहां ये देखो अनचार्ज है, अनचार्ज, और अनचार्ज तो ज्यादा स्टेबल होती है यार, तो इसका मतलब फोर्थ क्या है, गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है, मोर देन वन है भी, हाँ मोर देन वन भी है, मोर देन वन भी है क्वेश्चंस, और हम तो देखो सिंगल चॉइस का कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन देने का कंसेप्ट नहीं है, आंसर सीएलसी ने एक बहुत ही बेहतरीन आपको प्लेटफॉर्म दिया है, सीएलसी यूट्यूब चैनल पे आप ये देख पा रहे हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि आगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मोर देन वन भी है। क्वेश्चन का मीनिंग केवल यह है कि उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कंसेप्ट दिया जाए, कंसेप्ट दिया जाए, क्वेश्चन का नंबर आप ना देखें, हमें बहुत मिलते हैं, बिल्कुल हम एक से कई मतलब चाहते हैं कुछ टाइप के आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट, हाउ मेनी एल्कीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर मोर स्टेबल, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी भी हमने लास्ट क्लास में बताई थी, अल्फा हाइड्रोजन सबसे पहले कंजुगेटेड मोर स्टेबल देन अनकंजुगेटेड, पीछे के लेक्चर में देख सकते हो, अनकंजुगेटेड है तो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं यहां पे, इसके पास दो यहां है, एक इधर, एक यहां है, मतलब ये तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास बात करते हैं इधर से 3 3 6 2 8 और 2 10 10 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास बात करें तो यहां 2 5 3 2 5 8 1 6 ये 1 और ये 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, इसके पास बात करते हैं तो 1 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास बात करते हैं तो 3 यहां है, 2 यहां है, 1 यहां है, 6 है, इसके पास बात करते हैं 4 है, इसके पास बात करते हैं 2 है, तो उसके पास 3 तो उससे स्टेबल ज्यादा स्टेबल ये वाली हो गई 4 6 ये भी हो गई, हां ठीक है, ये नहीं होगी, हां ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी सब हो गई, बाकी सब सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिड कौन सा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बेंजोइक एसिड इससे ज्यादा एसिडिक है, बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक बताना है, इससे सर फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, फॉर्मिक एसिड ज्यादा, ये एनसीईआरटी में आपको एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, वहां जाओगे तो फॉर्मिक एसिड और ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये भी ज्यादा एसिडिक होता है, वो तो वैसे भी दो COH है और तो H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई है, बिल्कुल, तो इससे ये भी ज्यादा एसिडिक है और इससे फॉर्मिक एसिड भी ज्यादा एसिडिक है, तो ये भी ज्यादा एसिडिक है, ये भी है,
इस पे CF3 का माइनस आई लगेगा तो माइनस आई लगेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी क्योंकि ये तो सिंपल है, तो ये भी है। इसमें ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, इसमें प्लस H लगेगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो ये ज्यादा एसिडिक नहीं है। NO2 का माइनस R लगेगा, माइनस आई लगेगा तो इसकी भी एसिडिटी बढ़ जाएगी, इसका प्लस R लगेगा सर तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो ये भी नहीं है। बाकी सब क्या है, मोर एसिडिक है। एसिडिक मेनली फोकस एसिडिटी, एरोमेटिसिटी और बेसिसिटी पे रहेगा। नेक्स्ट, ये लो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच आर मोर स्टेबलाइजिंग आयनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। सर इस क्वेश्चन का कांसेप्ट भी हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, मैंने सबसे पहले ये बोला था कि अनचार्ज स्पीशीज मोर स्टेबल इन देन चार्ज, बट वहां नीचे लिखा था कि इन सम केस, यदि सिस्टम एरोमेटिसिटी बन रहा है चार्ज से तो वो स्टेबल हो सकता है। तो देखो अगर ये चार्ज फॉर्म में जाए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए तो ये एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया। अगर इसमें ये क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन की तरफ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ऐसा ये स्टेबल नहीं हुआ। तो ये ऐसा क्यों करेगा, क्यों करेगा तो नॉन एरोमेटिक टाइप का हो गया। हाँ, तो ये स्टेबल नहीं होगा, तो इसका ये इसी फॉर्म में रहने की कोशिश करेगा, चार्ज नहीं लेके आएगा। ये जाएगा तो ये स्टेबल नहीं है, ये जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन टाइप बन जाएगा, एरोमेटिक बन गया। इसमें देखो सर ये यहां से यहां इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव, तो ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक, तो ये भी हो जाएगा। इसमें एक रिंग तो एरोमेटिक हो जाती है, परमानेंट डायपोल मोमेंट है इनमें क्योंकि डायपोल मोमेंट आने पे ये क्या हो जाती है, ज्यादा स्टेबल हो जाती है। इसमें एक क्वेश्चन ये है, जैसे जेई ने पूछा था कि रूम टेम्परेचर पर कौन नहीं एग्जिस्ट करता है, हाँ। तो वो बात भी वही है कि जैसे ये एंटी एरोमेटिक है, ये कंपाउंड क्या रहा है, एंटी एरोमेटिक टाइप का बन रहा है, तो ये वाला रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर वैसे तो एग्जिस्ट करता ही है, रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये लो सर, टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक स्ट्रक्चर, टोटल कितनी एरोमेटिक स्ट्रक्चर इसमें है, तो सर ये तो अपने एरोमेटिक हो जाएगा, बिल्कुल ये अभी बताया हम लोगों ने, ये इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, ये भी एरोमेटिक, एरोमेटिक बिल्कुल। ये है जो है वो 10 एनोलीन है और ये इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन के कारण फुली डीलोकलाइज नहीं हो पाता है, इसमें 10 एनोलीन है ये और ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो जाता है क्योंकि इनके बीच रिपल्शन से एक रिंग थोड़ा नीचे हो जाती है, दूसरी ऊपर की तरफ हो जाती है, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना 4n प्लस 2 पाई है, और बट होने से क्या होगा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी तो होना चाहिए ना, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको नॉन एरोमेटिक बोला है। ये तो सर फेमस है इसका, तो टब से स्ट्रक्चर जेई में बहुत बार पूछा है, ये तो नॉन एरोमेटिक होता है, रीजन है क्योंकि नॉन प्लेनर है, टब शेप्ड होने की वजह से नॉन प्लेनर हो जाएगा, इसके एक्चुअली में शेप ये वाली होती है, एक्चुअल में तो इसी फॉर्म होता है, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4n प्लस 2 पाई है, तो ये एरोमेटिक है। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 16 आएंगे, शायद मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी, एक बार वापस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आएंगे, 16 एलुलिन है, 16 एलुलिन में से 4n का हो गया, तो ये तो एरोमेटिक तो नहीं हो सकती, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगी एरोमेटिक, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन यदि 4 की टेबल में आता है ना, तो वो एरोमेटिक नहीं हो सकता, 16 4 की टेबल में आती है, टेबल तो आती होगी यार सबको, तो ये क्या है, एरोमेटिक नहीं है, तो हमने भाई तो ये पूछा है एरोमेटिक है कि नहीं है। अब इसमें तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला सकता है, कहीं नॉन एरोमेटिक बता देते हैं, कोई एंटी एरोमेटिसिटी करेक्टर बता देते हैं, तो हमें तो ये पूछा कि एरोमेटिक है या नहीं है, तो हम बोलेंगे ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक तो नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट, इसके 18 एल्यूमिन एरोमेटिक है, बिल्कुल प्लेनर सिस्टम होता है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, ये एरोमेटिक सिस्टम है। इसकी बात करें तो ये भी एरोमेटिक है, ये देखो
बोराजोल, इसको बोलते बेटा बोराजोल इनऑर्गेनिक पेंटिन को, बी एन बी एन बी एन बी एन सब पे एच लगा हुआ है, सब पे एच लगा हुआ है, ये इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। 6 pi इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन को बोराजोल बोल दो, बोराजीन बोल दो, तो ये भी एरोमेटिक है। ये वाला सिस्टम एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये वाला सिस्टम प्लेनर तो हो गया, प्लेनर हो गया, क्योंकि आपने इधर से टाइट कर दिया, इससे आप कंपेयर करके देख लो, इसको खींच के यार नीचे की तरफ ले आया, तो प्लेनर हो गया, तो प्लेनर हो गया, तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, तो आंच इसका जो आएगा वो से हो जाएगा। ओके ठीक है, ठीक है, वापस से हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, वही अभी जो बताया गया था कि स्ट्रांग से किधर की तरफ जाना है आपने, वीक की तरफ, कोई वीक एसिड प्लस वीक बेस वाली बात आती है। हाँ। तो ये दो ऑर्गेनो लिथियम कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आता है ना आर माइनस, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है भैया, बिल्कुल, क्योंकि इसका कॉन्जुगेटेड आर एच है ना, इट इज वेरी वीक एसिड, और जब ये वीक एसिड रहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो इसको मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक बेस हो गया, वैसे बना दिया एसिडी से कर दीजिए, ठीक है, और ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका ये बन गया तो वीक बेस, और ये वीक एसिड जाएगी भैया, दौड़ेगी आगे की तरफ रिएक्शन। नेक्स्ट ये वाला एल्कोक्साइड आयन, यहां से एच डोनेट कर रहा है, तो इसमें एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड हो गया, इसका कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका वीक बेस वीक जाएगा। अब SH2 OH बॉन्ड से ज्यादा एसिडिक है SH बॉन्ड, SH से ज्यादा एसिडिक है SCH बॉन्ड, साइज बढ़ेगी तो H+ का निकलना इजी हो जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ने से ओवरलैपिंग वीक हो जाएगी और H+ जैसे आपको याद होगा कि HF less acidic than HCl less acidic than HBr less acidic than HF फेमस ग्रुप में 14 15 16 17 ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ता है। तो ये अगर मैं बात करूं इसकी बात करें और इसकी बात करें, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये वीक एसिड हो गया, तो ये वीक बेस हो गया और ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो ये भी आगे की तरफ। अब यहां देखें फिनोल और NH3, इनमें से अगर हम बात करें तो अगर बात करें कि तो फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू इसके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो रिएक्शन आगे की तरफ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये सॉरी ये हाँ, इन दोनों को कंपेयर अगर करें तो ये देखो OHOS तो है बट यहां पे क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये वीक एसिड हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड आगे की तरफ आ गया तो रिएक्शन आगे की तरफ नहीं नहीं जाएगी, ये वाला पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन है हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर एंथ्रासीन, तो इसमें कुछ बना, वैसे तो देखो आप ना सीधी सी बात है, अगर लीनियर ऐसे दिया हो बेंजीनॉइड रिंग तो जितनी रिंग होगी उससे एक ज्यादा मिलेगा, ये पक्का है, और बनाने का तरीका ये है कि आप अगर बनाना हो तो यहाँ पे फिक्स कर दो बॉन्ड, जैसे देखो यहाँ पे एक फिक्स हुआ है तो एक बन गया, फिर आप अगर आप बनाना है तो आप जैसे देखो यहाँ पे सॉरी इसमें ये सर ने जो बताया उसी कंसेप्ट से अगर हम चले तो इसमें फिक्स यहां किया हुआ है, ठीक है, मैं इधर वाले पे फिक्स करता हूं, बाकी लगा देता हूं, तो ये डबल बॉन्ड यहां है, फिर दूसरा एक जगह और यहां कर देते हैं, तो इसमें यहां आ गया, अब एक तो है ही वहां पे, अब एक यहां आ गया, अब इस वाले पे बच गया लास्ट वाले पे, टोटल कितने हो गए 4 इंक्लूडिंग दिस, क्योंकि ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो टोटल हो गए 4। तो ये था जीओसी सेकंड का क्वेश्चन पेपर, और होपफुली आपको समझ में आया होगा, बेसिकली हमने बार-बार बोल रहा हूं हमने एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पे ज्यादा जोर दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे आपके लिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को भी हमने दो पार्टों में डिवाइडेड कर रखा है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक आप इसको देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ आगे और आपको बेहतरीन चीज मिलने, अब तो हम लोग मैकेनिज्म पे बात करेंगे, मैकेनिज्म पे बात करेंगे ऑर्गेनिक की, जो बेसिक चीजें थी वो बता चुके हैं, अब जो मेन चीज है ना रिएक्शन को कैसे ऑपरेट किया जाता है वो आगे वाले लेक्चर में आपको मिलने वाली है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।